ऑलराइट, तो अभी मैं फिलहाल तो क्या बाजार में हूँ एंड आपने मेरा यस्टरडे का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा कि आई वाज इन चुका पोखरी एंड कल रात को मैंने यहीं पर ब्लॉग एंड किया था, यानी घर जाके एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मीरिक एंड आज बेसिकली फ्राइडे है, तो सुकिया बाजार में एक होलसेल शॉप लगेगा यानी हाट, तो काफ़ी भीड़ है इन कम्पेयर टू अदर डेज एंड एज यू कैन सी इधर नहीं एक्चुअली उधर हाट लगता है, तो इधर भी काफ़ी भीड़ भाड़ की है, देखते हैं कि कितने देर में मीरिक पहुँच जाएंगे। तो दिस लिस्ट टू माने बन जाएंगे एंड ये जाएगा सीधे मीरिक की तरफ इंडो नेपाल बॉर्डर पशुपति एंड ऑल्सो इसी रास्ता लेके जाना पड़ेगा एंड यार पिछली बार जो हमने सुकिया पोखरी का राइड किया था तो उस सुकिया पोखरी के राइड में भी टू प्रोग्रेस ऑन जो पोखरी, लेकिन आज कम्प्लीटली डिफरेंट है, वील बी टेकिंग दिस वे मिरिक का रास्ता जैसे कि आज क्या देखने को मिलता है एंड यू नो एक्चुअली कल सुबह तक सन एकदम सूरज एकदम मेरे सिर के ऊपर था, लेकिन सडनली स्टार्टेड रेनिंग एंड अभी तो वेदर ऐसा कुछ हो रखा है। इधर से क्या था जो ये घर वगैरह वगैरह का सेक्शन है यहाँ से ख़त्म होगा एंड जंगल कंपार्टमेंट स्टार्ट होगा, तो आफ्टर दिस वी विल बी रीचिंग सीमाना व्यू पॉइंट, तो उधर से भी व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज यू नो दिस वेदर ऑफ दार्जिलिंग, पता नहीं लॉन्ग द किधर है। तो एक्चुअली ये जो आप जंगल देख रहे हैं ये पूरा ये ठीक जोर पोखरी के नीचे पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा जंगल है, एक बार मैंने हाइकिंग भी किया था, काफ़ी मज़ा आया। तो लॉन्ग डा भी आ चुका है। तो एक्चुअली हम लोग सीमाना में है एंड अभी का कंडीशन ऐसा कुछ है, काफी जोरदार बारिश हो रहा है, मेरा पूरा कपड़ा भीग गया एंड अब देख सकते हैं कि कितना बारिश हो रहा है। वेलकम टू सीमाना। ऑलराइट, बारिश काफी थम गया है, तो हम लोग अभी सीमाना व्यू पॉइंट आ चुके हैं एंड अभी फिलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वरना इधर से व्यू एकदम अति सुंदर दिखाई देता था, जो ये संदकपुर रेंज सब कुछ दिखाई देता था माने वन जान, लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यार इन पशुपति राइट नाउ पिछले बार वी वेंट टू नेपाल बॉर्डर जो कि हम लोगों को नहीं दिया एंड राइट नाउ वी आर इन पशुपति, तो डायरेक्टली आज कोई स्टॉप नहीं होगा पशुपति में, बिकॉज जो दिखाना था पिछली बार भी दिखा चुका हूँ एंड फिर से वो रिपीट करूँगा, तो इट विल बी काइंड ऑफ बोर विंग। ऑलराइट, अभी पशुपति क्रॉस करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा एंड मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं कि पूरा कोरा था चुका है एंड सब कुछ सफ़ेद, क्या मैं कलर ब्लाइंड हूँ ये कुछ सकता, लेकिन नहीं लेट्स सी। तो इधर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा, माउंटेन व्यू, होटल, होम स्टे, कैंपिंग, सनराइज, होम स्टे ठंडे दिन में इसका मजा अलग ही होता है, तो हमारा लौंग दा भी इधर है। मेरा एक्चुअली गोप्रो का सेटिंग उलट पुलट हो चुका है एंड दिस इज ब्लैक टी। बस हलो भाई मुझे गोई मिला आंटी। ऑलराइट, फिर आप दुकान देख रहे थे, हम लोग इधर थे एंड काफ़ी देर होल्ड हुआ, अराउंड 1.5 आवर एंड इधर कुछ काफ़ी भी लिया हम लोगों ने एंड काफ़ी मज़ा आया, दिस वॉज वेरी गुड एंड इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। एंड अगर आप मीरिक जा रहे हैं तो यू कैन जस्ट स्टॉप, देख सकते हैं कि आप डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो मेक श्योर यू होल्ड फॉर सम टाइम एंड हैव अ कॉफी, क्योंकि टी एकदम अच्छा था एंड क्या प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये प्रसारे हवा
गाइस विल सी यू ऑन अ मोटो व्लॉग, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो चुका है एंड हम लोगों को मिरिक की तरफ जाना पड़ेगा। एंड इधर आंटी क्या बोल रहे थे कि मिरिक में चेकिंग भी हो सकता है, तो लेट्स सी कि चेकिंग होगा या नहीं एंड विल सी यू ऑन अ मोटो व्लॉग। तो मिलते हैं सीधे मोटो व्लॉग में। ऑलराइट, सो अभी का वेदर काफ़ी कुछ अच्छा हो चुका है, लाइक प्रीवियसली जो वेदर हो रहा था अभी इट्स नॉट लाइक दैट एंड काफ़ी क्लियर है, लेकिन व्यू कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी टाइप ऑफ डेंस क्लाइमेट ही है। मेरा कपड़ा सब बिक चुका है तो काफ़ी ठंड लग रहा है एंड यह वैप करने में थोड़ा रुकावट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेदर। एक्चुअली अभी हम लोग हैं ओकाइटी टी स्टेट में एंड ओकाइटी इज एक्चुअली फेमस फॉर दिस टी प्लांटेशन एंड बाद में काफ़ी कुछ बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा एंड आई होप कि वो तो दिखा सकता हूँ मैं। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल आपको टी गार्डन्स मिलेगा एंड वेलकम टू ओकाइटी टी स्टेट। एक्चुअली जो ये ओकाइटी टी स्टेट का फैक्ट्री है काफ़ी नीचे है, लेकिन इस जगह पर गोला पहाड़ और तो इस जगह पर काफ़ी टूरिस्ट लोगों का होल्ड भी होता है, क्योंकि ये जो आप वादियाँ देख रहे हैं टी प्लांटेशन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है एंड इधर से भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इट्स टी गार्डन्स एंड टी गार्डन्स एवरीवेयर एक्चुअली। तो इसी जगह के लिए मैं रुका था, तो आप सिलगढ़ी भी देख सकते हैं वो नीचे एंड ये जो आप पूरा देख रहे हैं इट्स ऑल ओवर टी गार्डन एंड काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो यही दिखाना चाहता था एंड इसे एक्चुअली में थर्बू या समथिंग कहते हैं, हाँ एक्चुअली थर्बू ही है। तो वो नीचे देखे तो उधर टी गार्डन के जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर दूंगा थोड़ा सा, तो यही है एंड काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। टी गार्डन से व्यू है। तो आई होप कि मेरे में वेदर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू मी। अभी इस जगह से वी आर निकलेंगे डू लॉन्ग, तो इस जगह से निकलेंगे एंड आवर डायरेक्ट स्टॉप मिरिक लेक। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है इधर से, आप देख सकते हैं एंड प्रीवियसली भी आपने देखा कि कितना सुंदर व्यू दिखाई देता है इधर से एंड तो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सुना, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाता है विद दिस नेचर एंड इट फील्स गुड यार बीइंग इन दार्जिलिंग एंड seeing this wonderful places every time and it feels awesome. तो आप जो ये एक बिल्डिंग जैसा देख रहे हैं इट्स अ टी फैक्ट्री एंड जहाँ पर वो एक्चुअली जो ये ओकाइटी टी स्टेट एंड ऑल का टी जाता है इधर ही जाता है। दिस इज द ओनली पेट्रोल पंप ऑल ओवर मिरिक एंड लेट्स सी इधर क्या हो रहा है। इधर चेकिंग हो रहा है लेकिन हम लोगों को नहीं रोका, तो हमें लेक की तरफ सीधे ही जाना पड़ेगा। मिरिक लेक में आ गया। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग इन मिरिक लेक एंड होपफुली सब कुछ दिखाऊंगा मैं इस बार एंड 15 अगस्त का राइड भी मिरिक की तरफ ही है। तो इधर हॉर्स राइडिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी होता है। ऑलराइट, सो वी आर इन मिरिक लाइट नाउ एंड दिस इज द माइटी मिरिक लेक। तो लॉन्ग का भी इधर ही है एंड मेरा जो एक GoPro का स्टोरेज है ख़त्म होने वाला है, तो बाद में एक रिप्लेसमेंट है मेरे पास तो वही डालूंगा एंड आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं इधर, काफ़ी वैरायटी का मिलेगा। एक बार सो दिस इज द मिरिक लेक एंड मिरिक लेक का एक्चुअली ब्रिज
सो दिस इज मिरिक लेक एंड द अपोजिट साइड छोड़े बजे सो एक्चुअली पूरा एक ग्राउंड का 650 एंड आप देख सकते हैं घोड़ा मेरे हाइट का हुन्छ थैंक यू दा सो काफी अच्छा है सो दिस इज द मिरिक लेक एंड अभी एक्चुअली ना काफी विंडी है तो व्लॉग में विंड नॉइज जरूर आएगा दिस इज द डंक जो घोड़ा प्रोड्यूस करता है एक्चुअली अभी हम लोग इस जगह पर थोड़ी देर वॉक हो रहा है मेरा और लवंगड़ा का वी विल गो टिल देयर एंड आप देख सकते हैं वी आर ऑन द बैंक ऑफ मिरिक लेक एंड एक्चुअली लेक अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि इट्स नॉट अलाउड एंड काफ़ी डीप है ये लेक तो अंदर जाना तो काफ़ी मुश्किल है बट यू नो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन स्विमिंग रियली आई एम सीरियस तो एक्चुअली आप लोग इधर एक गुड वॉक कर सकते हैं अराउंड दिस ब्यूटिफुल मिरिक लेक एंड रास्ता ऐसा कुछ है कीचड़ कीचड़ लेकिन कोई बात नहीं जूता है मेरे पास तो वी आर राइट नाउ ऑन द बैंक ऑफ मिरिक लेक अभी हम लोग मिरिक लेक से निकल रहे हैं एंड ये जो आप लेक देख रहे हैं इधर आप बोटिंग भी कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है मैं तो प्लान कर रहा था कि बोटिंग करेंगे लेकिन फ़िलहाल इट्स क्लोज्ड एंड किसी और दिन राइट तो अभी हम लोग मिरिक लेक से निकल रहे हैं एंड डायरेक्टली अब हम लोग जो है मिरिक का मोनेस्ट्री है मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं लेट्स सी कि मोनेस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये देखकर ना एक चीज़ याद आ रहा है मुझे रेगीना का जो मेरा दोस्त आ रेगीना फीस कम मिजोराम लेकिन दार्जिलिंग में ही पली बड़ी है तो नेपाली काफ़ी अच्छा आता है एंड रेगीना का घर यही रास्ता जाता था आई स्टिल रिमेम्बर बंद दो इंटरसेक्शन होगा यू नीड टू टेक राइट एंड इधर ना एक्चुअली रास्ता काफ़ी ख़राब है तो यही पोजिशन की कैम लेंगे लगता है कि गुम्बा का जो एरिया है हम लोग घूम चुके हैं गुम्बा एरिया पता नहीं कि मोनेस्ट्री के अंदर जाने भी देंगे या नहीं बट दिस इज इट यही है मोनेस्ट्री पूछना पड़ेगा इस बार इधर से यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि अंदर जाना इज नॉट अलाउड बोट में भी देखा था नॉन्ची फॉर टूरिस्ट एंड एक्सेप्ट जो ये मोनेस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के बाहर अंदर कोई नहीं जा सकता तो इफ़ यू आर कमिंग टू मिरिक इधर आप लोग नहीं आ सकते ए रेगीना यो भिडियो चाहिँ तेरो लागि होइन हेरिहाल तेरो पुरानो घर एकपल्ट होइन रोकिकन पनि देखाइदिन्छु आई नो यु मिस दिस प्लेस घर चिनेको चिनेको लाग्यो होला होइन तेरै हो यहाँबाट चाहिँ मिरिक एकदम दामी देख्छ होइन तर आज कहीँ नदेख्दैछ दामी देख्छु नि है यहाँबाट ऊ आई नो गुड बाई हेलो सोबी हाम्रो कल लिएन परेको लेफ्टतिर रेस्टुरेन्ट बिकज वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द हेलिप्याड एन्ड अब यहाँ 3 बज्छु गयो तो देख्छ कि उधर कि जा सक्छ यहाँ होइन तो ये रास्ता सिलीगुड़ी है ना उसको जाता है ये रास्ता हैलीपैड की तरफ तो हम लोग अभी हैलीपैड की तरफ एक्चुअली मेरी इंजीनियरिंग डिवीज़न
कैसा नहीं सीधा लाओ हेलीपैड, पता नहीं कौन सा है रास्ता, इसी रास्ते जाकर देखते हैं। अमीर ही दस्तीदार कॉटेज जाना जैसे एक्चुअली हम लोग भी हम लोग हेलीपैड पहुंच चुके हैं एंड ऐसा कुछ दिखेगा हेलीपैड में। ड्रोन भी उड़ा रहा था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। सो आप कर्सेंग भी देख सकते हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं कर्सेंग एंड ये जो प्लेस सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में काफ़ी वेदर अच्छा है इन कम्पेयर्ड ओवतबीरी कैनॉल एंड इधर से ना एक्चुअली व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो हम लोग जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं मोनेस्ट्री भी गए थे लेकिन दिस वॉज क्लोज। सो दिस इज़ इट एंड खाना खाने के बाद वील डायरेक्टली टूवर्ड्स दार्जिलिंग एंड काफ़ी देर हो रखा है एक्चुअली यहाँ 4 बजने के। सो दिस वॉज इट एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप। सो इट्स अबी राय साइनिंग ऑफ द डे एंड होपफुली सी यू ऑन अनदर वीडियो। 1 2 3 4